ताराबेन रसिकलाल मेहता ने तरफ थी जो 50 रन मारसे एने 500 रुपया इनाम। तेना आज आगला जे आपड़ा जे 500 रुपया पर 50 सुरेखाबेन अने दिलीप भाई मेहता तरफ थी पण सुरेखाबेन दिलीप भाई मेहता तरफ थी 500 रुपया तेमज जे 50 जे 6 मारसे एने दिलीप भाई छापी तथा नितिन भाई मेहता तरफ थी बन्ने तरफ एटले बन्नेना मिक्स माथी 50 रुपया इनाम आपवामां आवशे। જે પણ 50 રન મારશે એમાં ચૈતાલીબેન રાજેશભાઈ મહેતા તરફથી બી 500 રૂપિયા ઇનામ આપવામાં આવશે। જે આલે ચલતે પહેલા સેમિફાઇનલ મુકાબલા ટીમ ચકચકાચક બના પલ્સ કે બીચ મે દોનો ટીમ दो दो मुकाबले जीत के पहुंची है इस खूबसूरत अंदाज के साथ सेमीफाइनल में। जी स्कोर रेडी है, अंपायर ने हरी झंडी दिखा दी है। पहली गेंद फुल टॉस गेंद लहराया था हवा में गेंद, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और सिंगल के साथ टीम पल्स ने अपना खाता खोला है। शानदार मुकाबला, दोनों टीम एक कदम दूर है फाइनल से, कौन पहुंचेगा फाइनल में। और इस बार एक आसान सा कैच और गलती कर बैठे यहां पर सफलता हासिल करते हुए। नीरव भाई मेहता बहुत ही बढ़िया विकेट हासिल करते हुए एक अपने लीग मुकाबले के दौरान एक ही मुकाबले में चार सफलता लेने वाले एक लौते गेंदबाज हैं श्रृंखला के अंदर, लेकिन यहां बहुत बड़ी विकेट। आर्यन जाते हुए बैक टू पवेलियन, पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार पारी खेली थी बल्लेबाजी के लिए, टीम के एक खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं भाविक। आमने सामने एक दूसरे के उठाकर खेलने की कोशिश, सिंगल चुराने की, सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाज ने एक एक रन का खाता खोला है। सलामी जोड़ी ज्यादा क्रीज के ऊपर वक्त बिता नहीं भाई, पहला विकेट खोने के बाद यहां से फिर से एक नई शुरुआत की आवश्यकता। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, बाहें खोली अंपायर ने, व्हाइट का इशारा, फील्डिंग की कुछ इस तरह से सजावट की गई है। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में पांच फील्डर तैनात है जिसमें एक ही फील्डर 30 गज दायरे के बाहर लॉन्ग ऑफ। और स्वीप किया है इस बार और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए। डीजे विशाल।
आर्यन के बल्ले से निकलने वाला खूबसूरत चौका टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 6 और एक अतिरिक्त वाइड के साथ 7 बन चुके हैं। फुल टॉस गेन, अच्छी फील्डिंग का नजारा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। नीरव मेहता अपने स्पेल के पहले और टीम की ओर से पहला ओवर करते हुए कप्तान ने नीरव मेहता के ऊपर भरोसा जताया। अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, बतौर ऑलराउंडर है। फुल टॉस गेन, उसका फायदा उठाते हुए टेनिस क्रिकेट के अंदर मुश्किलें होती इस तरह की फील्डिंग की सजावट, आप खास करके डीप स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर जब तैनात नहीं करते हैं तो यह परेशानी होती है। एक ही ओवर में 2 चौके, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 एक विकेट के नुकसान के ऊपर। साथ ही में 8 टीमों ने इस श्रृंखला के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 महीने लगातार अलग अलग शहरों में लगातार मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर रहे और उस प्रैक्टिस को यहां पर दर्शाने की कोशिश की। उठाया ये बल्लेबाज, आज खड़े रहेंगे तो फिर सेमीफाइनल का रुख बदलना जानते हैं। भविन बहुत ही कड़क शॉट खेलते हैं, गेंद सीमा रेखा के बाहर, कोई फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं। बहुत ही बढ़िया भाविक द्वारा शॉट, फील्डिंग प्लेसमेंट में थोड़ा सा बदलाव करते हुए। इस बार सीधे बल्ले से खेला, अच्छी फील्डिंग की सजावट, इस बार पिछली गेंद पर लॉन्ग ऑफ पे खेला था वहीं अब फील्डर तैनात कर दिया है। स्कोरबोर्ड में इजाफा होता हुआ 16 रन, दूसरे ओवर का खेल, 8 ओवरों का यह निर्धारित मुकाबला। और यहां पर फ्लिक करने की कोशिश फाइन लेग के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग का नजारा। जिंदगी में हर दिन एक नई शुरुआत करने की आवश्यकता। आज यहां पर इतनी तादाद में जो दर्शक और मेहमान अलग अलग सिटी से बैठे हुए हैं, कल अलग अलग शहरों में बैठे होंगे कल शाम को, और ये मैदान पूरी तरह से वीरान पड़ा होगा, इसीलिए जिंदगी में हर दिन एक नई शुरुआत की आवश्यकता रहती है। उठा दिया इस बार कवर के ऊपर से, शॉट कड़क है तो फिर बंदा भी आज अपना हाथ खोलना चाहेगा सेमीफाइनल के अंदर 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 22, दूसरे ओवर का खेल अभी भी जारी, सहयोगी कमेंटेटर बिल्कुल माइक लेके तैयार है अपना अनुभव बांटने के लिए दर्शकों को। हमारे जो स्कोरर है बता रहे हैं भाविक आर्यन, 6 बॉल में 15 रन बना चुके हैं यहां पर। खूबसूरत शॉट वहां पर, लेकिन ओहो, स्नेक द्वारा बहुत ही बड़ी गलती वहां पर करी, एक बड़ा मौका था यहां उठाकर खेलने की कोशिश। इस बार काफी दूर रह गए फील्डर, 1 रन। टू ओवर, 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 24 रन। इस ओवर में 13 रन बने हैं, आप मान सकते हैं यहाँ पर खचोखच जो स्टेडियम भरा हुआ है, लुक्स उठा रहे हैं पहले सेमीफाइनल का यहाँ पर
ठंडी ठंडी हवा चलती हुई, लेकिन जो मिजाज है क्रिकेट का अलग सा है। यहाँ पर दोनों टीम कश्मकश जारी, फाइनल में पहुँचने के लिए इतनी मेहनत करेगी कि आप जो पिछला मैच था वो आप जानते थे कि किस तरह से मैच हुआ था, उसी अंदाज से आज ये मैच भी पूरी तरह से संभावना है मैच होने की। केयूर अपने कोटे का पहला इनिंग का तीसरा ओवर, सामने है भाविक, लंबे चौड़े खिलाड़ी भाविक सामना करते हुए केयूर का। ये गेंद पूरी तरह चकाया बैट्समैन को, पूरी तरह से भाविक केयूर अपने दूसरा लेग साइड में लपेटने की कोशिश में गेंद बल्ले पे आई नहीं, अंपायर का इशारा वाइड का। स्कोर में एक रन की और बढ़ोतरी होती हुई यहां पर स्कोर पहुंचा 25 रन। तीसरा ओवर जारी है, ये भाविक सामने है केयूर के। गेंद खूबसूरत शॉट वहां पर, अंपायर का इशारा 6 रन का, यानी कि दिलीप भाई और नितिन भाई के जेब में से 50 रुपये और कम। दिलीप भाई अभी तो शुरुआत है। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। तीसरा ओवर जारी है, पहला सेमीफाइनल चलता हुआ यहां पर, एक ही सेमीफाइनल खेला जाएगा यहां पर। एक टीम क्वालिफाई हो चुकी है फाइनल के लिए। तैयार बैठी है ग्राउंड के बाहर, इंतजार करती हुई दोनों में से कौन सी टीम उनके सामने आएगी। एक रन एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन, सॉरी 33 रन। भाविक सामने है, दो रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। क्यों लगातार अच्छी लेंथ पे बॉल डाल रहे, भाविक को ललचा रहे है, बल्ले पे पूरी तरह से गेंद आ नहीं रही है वहां पर। एक गेंद लेकर लपेट लिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और एक और छक्का यहां पर। नितिन भाई और दिलीप भाई 50 रुपये अकाउंट में से डिबेट। तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 41 रन 41। तीन ओवर समाप्त हो चुके हैं 41।
मुकेश भाई सोमाणी अने नीति दिलीप भाई छापी फाइनल मा फाइनल मा नितिन भाई फाइनल मा जे प्लेयर स्वीटू ए गेंद गेंद जा रही है फाइनल की तरफ अंपायर का इशारा होना चाहिए चार रन का भाविक 22 रन के साथ नाबाद है और हेरेन 21 रन के साथ सुरेखा बेन दिलीप भाई छापे अने मुकेश भाई सोमाणी फाइनल में जे खिलाड़ी 60 रन मारशे अने 1500 रुपया नकद इनाम कोई भी एक खिलाड़ी फाइनल में 60 रन मारशे 1500 रुपया फाइनल में बे स्पोन्सर 750 रुपया उठा के खेल दिया और इसके साथ ही आसान सा कैच वहां पर ड्रॉप रौनक द्वारा वहां कैच छुटा है वहां देखिए तो उनके पीछे ढोल ताशे और थालियां बजाई जा रही है कैच छोड़ने की वजह से खुशियां सेलिब्रेशन पल के सपोर्टर कदमों का इस्तेमाल बल्ले से आवाज खूबसूरत आई है टाइमिंग बेहतर है गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई अंपायर का इशारा चार रनों के लिए इसी के साथ टीम पल्स के 50 रन पूरे होते हुए लेकिन आपको याद दिला दूं टीम पल्स और चकाचक जब सामने खेली थी तो टीम पल्स ने जीत हासिल की थी लेकिन यहां क्या बदला वसूल करेंगे वो देखने की आवश्यकता उठाया बल्ले से आवाज आई है कड़क लेकिन उससे भी कड़क वहां कैच लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में विकेट गिरती हुई यहां पर खूबसूरत इनिंग का खात्मा यहां पर भाविक का बहुत बढ़िया कैच वहां पर जो लॉन्ग ऑन पे खड़े थे उन्होंने ले लिया है भाविक भाविक अपने निजी स्कोर 26 रनों की पारी खेल के जाते हुए बैक टू पवेलियन केवल भाविक 10 गेंदों में 26 रनों की पारी खेल के बैक टू पवेलियन और फिलहाल स्कोर बोर्ड तीन ओवर 5 गेंदें और 50 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर स्नेह द्वारा बहुत ही अच्छा कैच लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और जिस तरह से आज पूरे टूर्नामेंट में सभी टीमों ने जो दिलचस्पी दिखाई है वो काबिले तारीफ है
ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर ने वाइट का इशारा दिया है। चौथे ओवर का खेल जारी है। उठाकर खेलने की कोशिश, पिछली बार ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार लेग स्टंप के बाहर, बैक टू बैक दूसरा वाइट, दो अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर 50। अच्छी गिनती, अच्छा प्लेसमेंट सम्मान देते हुए चार ओवर की समाप्ति के बाद 52 दो विकेट के नुकसान के ऊपर ले चलते आपको म्यूजिक डायरेक्टर के पास। निकालो कोई हल, दुश्मन का पिटारा खेलता का मल कर, का सबर क्यों मीठा है फल। गेंदबाजी के लिए सिद्धू आए, गेंदबाजी के लिए सिद्धू अपने स्पेल का पहला, टीम की ओर से पांचवा। पहले चार ओवर में 52 रन बने हैं दो विकेट के नुकसान के ऊपर, और यहां से ऐसा लग रहा है कि पहली इनिंग में 100 रन बन सकते हैं, लेकिन अगर अच्छी गेंदबाजी करें तो 80 के करीब भी रोका जा सकता है। कुल मिला के 12 लीग मुकाबले, उसके बाद यह 13वां सेमीफाइनल और अंतिम फाइनल मुकाबला इसके बाद खेला जाएगा। और शॉट इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से आर्यन के बल्ले से निकलने वाला खूबसूरत छक्का, गजब की पारी। दिलीप भाई और नितिन भाई की तरफ से ₹50 का एक और इनाम खाते में जाता हुआ, साथ ही में खूबसूरत शॉट देखने को जरूर मिलता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी, टारगेट बना रहे वहां गेंदबाज को। उठाया इस बार मौका, कैच का बन सकता है, और यहां पर काफी दूर फील्डर रह चुके थे, उसके चलते उन्होंने सोचा कि पैरों के सहारे बाउंड्री को कम से कम रोका जाए, और सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए उठाया। इस बार फिर से मौका बनेगा क्या कैच का, इस बार खुद वहां पर फील्डर पहुंचे थे गेंदबाज, विकेट यहां से हासिल करने का एक मौका था, कॉटन बॉल करने का मौका था, लेकिन उस मौके को गवाया और बल्ला चेंज करना चाहते हैं। इसको जा पहुंचा 60 रन, पांचवें ओवर का खेल जारी है। कुल मिला के ऑफ स्टंप पे देखिए तो चार फील्डर 30 गज दायरे के अंदर, और एक फील्डर जो के डीप लॉन्ग ऑफ पे तैनात है। 60 रन इस बार स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग का नजारा। एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 61, पांचवें ओवर का खेल, पहला इनिंग जारी है। सिक्का उछला आज टीम पल्स के पक्ष में गिरने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया। टेनिस क्रिकेट की यह खासियत है कि शूज के जब लेस वहां पर निकल जाते तो खुद बल्लेबाज बांध सकता है, सीजन क्रिकेट में परेशानी होती है।
अच्छी गेंद थी इस बार, पूरी तरह से चुकी है, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। पांचवें ओवर की अंतिम गेंद, उठा के खेल दिया इस बार, फ्लैट छक्का निशित के बल्ले से निकलने वाला मिड विकेट के ऊपर से। गोल कुत्ता हुआ 67, यानी कि इस छक्के के रूप में गया 50 रुपये और नितिन भाई और दिलीप भाई के जेब से भी 50 रुपये निकल गए। फाइव और 67 और अंतिम तीन ओवर पहले इनिंग की, अंपायर से गुजारिश है जल्द से जल्द मुकाबले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता। आर एन की बात करें, सलामी जोड़ी के तौर पर मैदान के ऊपर बतौर ओपनर आए थे, अभी तक अपना विकेट संभाल के पारी को आगे बढ़ा रहे हैं और आखिर तक ये दोनों ही बल्लेबाज अगर क्रीज के पर टिके रहेंगे तो 100 बनना मुश्किल नहीं होगा। शॉट गेंद थी, पुल कर दिया इस बार, कड़क शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर पहुंचा है 73 रन, 50 रुपया दिलीप भाई नितिन भाई की ओर से। अकाउंट करंट रखिएगा दोनों बल्ले, और इस बार क्लीन बॉल कर दिया आपके 50 के चक्कर में लालच भरा शॉट खेलने की कोशिश और क्लीन बॉल कर दिया वहां पर बल्लेबाज को। कभी कभी 50 रुपये महंगे साबित हो जाते आपको। क्लीन बोल्ड कर दिया, चारों खाने जीत कर दिए। एक अर्धशतकीय पारी खेलने का उनके पास मौका था, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। स्वीट बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए, अब मोंटी बल्लेबाजी के लिए जो मोंटी जॉन्टी रॉस की तरह खेलना जानते हैं। छठे ओवर का खेल जारी है, मोंटी मुंबई से आए हैं लेकिन मुंबई के अलग अलग मैदानों पे काफी सारी प्रैक्टिस की है इन्होंने, देखना क्या कर पाते हैं यहां पर। सेवेंटी 73 स्कोर बना है, उठाकर खेलने की कोशिश, ठीक से कनेक्शन हुआ नहीं, लेकिन टीम के सबसे छोटे कद के फील्डर वहां पर। फील्डर पल, एक तरफ पल टीम का नाम है तो दूसरी तरफ फील्डर का नाम पल है। इस बार सिंगल चुराने की कोशिश, सेवेंटी फाइव अच्छी गेंद थी इस बार, पैरों पे जाके गेंद टकराती हुई, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 75। छठे ओवर का खेल जारी है, अंतिम गेंद और क्या यहां जहां 75 बने हैं क्या 100 बना सकते हैं वो देखने की आवश्यकता।
ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी करने की कोशिश। मिड विकेट का फील्डर जब तक गेंद को गैदर करता, आसानी के साथ सिंगल बटोरा। 6 ओवर की समाप्ति, 76 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 6 ओवर, 76 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बैटिंग पावर प्ले का वहां पर अंपायर का इशारा है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच नीरव मेहता अपने स्पेल का दूसरा, टीम की ओर से 7वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहले 6 ओवर में बहुत मजबूत शुरुआत टीम पल, 76 रन। क्या बाकी की 12 गेंदों में 24 रन बना के 100 पूरे करेंगे, वो देखने की आवश्यकता। इस बार फाइन लेग के क्षेत्र में धकेला है फील्डर, पीछा करते हुए आउटफील्ड काफी तेज और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन। मोंटी के बल्ले से निकलने वाला खूबसूरत चौका, जानबूझकर फाइन लेग के क्षेत्र में शॉट खेला, 80 रन बन चुके हैं। 7वें ओवर का खेल जारी है, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। नीरव मेहता अपने स्पेल का दूसरा, टीम की ओर से 7वां ओवर करते हुए स्कोर 80 रन। इस बार ब्लॉक होल में डाली गई गेंदबाजी खोज के निकाला सिंगल को, 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 81। अंतिम 10 गेंदें अगर व्हाइट या नो बॉल ना डाली जाए, इस बार अच्छी गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी गेंदबाजी की। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों बल्लेबाज। इस बार खेलना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद लॉन्ग ऑफ पे गई, सिंगल 3 गेंदों में 3 सिंगल। पहली गेंद पर वहां जहां चौका बटोरा था, उसके बाद लगातार स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। ओहो, यॉर्कर डिलीवरी, बहुत बढ़िया कमबैक करते हुए नीरव मेहता अपने स्पेल के दूसरे ओवर में। पहली गेंद पर चौके के बाद 4 गेंदों में 4 सिंगल, 84 रन बन चुके हैं, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 7वें ओवर की अंतिम गेंद उठाकर खेलना चाहते थे आखिरी गेंद डॉट, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 84 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अंतिम ओवर पहली इनिंग की, विरल गेंदबाजी की जिम्मेदारी टीम की ओर से 8वां ओवर लेके आए हैं। अंतिम ओवर में क्या 16 रन बना के 100 रन पूरा करना चाहेंगे, वो देखने की आवश्यकता। ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, पीछा किया था गेंद का, व्हाइट का इशारा। अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 85, 85 रन। फिर से एक बार अंपायर का व्हाइट का इशारा, बैक टू बैक दूसरा व्हाइट, 86 रन, टीम का स्कोर बनता हुआ। 7वें ओवर का खेल जब खत्म हुआ था, वहां पर केवल 84 रन थे, या 2 गेंदों में 2 अतिरिक्त रन। और पीछे से गिल्लियां बिखेर दी, चारों खाने जीत गए, 3 बोल्ड किया यहां पर। ऋषित मेहता
8 गेंदों में केवल 10 रनों की पारी खेल के जाते हुए बैक टू पवेलियन। दो अतिरिक्त वाइड डालने के बाद बहुत बढ़िया कमबैक किए हैं यहां पर विरल ने और 86 रन बने स्कोरबोर्ड के ऊपर। बल्लेबाजी के लिए प्रियल आए हैं और नॉन स्ट्राइक पे मोंटे जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं। लोकल बॉयज फ्रॉम सूरत। उठा दिया इस बार कवर के क्षेत्र में फील्डर पीछा करते हुए जब तक ओह बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। एक रन के साथ टीम का स्कोर 87-87 रन। अंतिम ओवर पहले इनिंग की टॉस जीता टीम पल बैटिंग का निर्णय अच्छा साबित होता हुआ अब तक। उठाकर खेलना चाहते थे पूरी तरह से चूके बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अंतिम ओवर में अच्छी रणनीति के तहत गेंदबाजी 87 रन बने हैं। और क्लीन बोल्ड यहां पर एक ही ओवर में दूसरा क्लीन बोल्ड यहां पर। विरल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम क्लीन बोल्ड पे क्लीन बोल्ड किए जा रहे हैं। स्टॉम को लगातार टारगेट बना रहे और 87 पे लगने वाला टीम को यह पांचवा झटका। 87 रन एवरी गेंद के ऊपर बोला जा रहा है 87 रन एवरी गेंद के ऊपर। हर एक दर्शकों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए लगातार स्कोर बोर्ड को मेंटेन किया जा रहा है। 87 रन बने हैं। नए बैट्समैन विकी विवेक विकी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। ओ बढ़िया गेंद थी इस बार। अंतिम ओवर 87 रन बने हैं स्कोर बोर्ड को रोक के रखा है विरल ने एक ही ओवर में दो क्लीन बोल्ड करके। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। अंतिम ओवर की अंतिम गेंद 87 बने क्या सिक्सर लगा के 93 करेंगे वो देखने की आवश्यकता। अच्छी गेंद थी इस बार डॉट डिलीवरी असफल ओवर 87 रन बने हैं 8 ओवर की समाप्ति के बाद और मैच को जीतने के लिए 88 रन का लक्ष्य। जल्दी से जल्दी टीम फील्डिंग के लिए पल अंदर आ जाए। सत्तासी रन बने हैं पहले इनिंग में 88 रन का लक्ष्य। टीम पल जल्दी से मैदान के अंदर आ जाए।
जल्दी से फील्डिंग की सजावट करें। 87 रन पहले इनिंग में बने हैं, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 88 का लक्ष्य। जो यहां से जीतेगा इसी मैदान के ऊपर फाइनल मुकाबला खेलेगा। जो भी यहां से मुकाबला जीतेगा एलएसके के विरुद्ध फाइनल मुकाबला इसी मैदान के ऊपर बैक टू बैक। जब मैच अब स्टार्ट होता हुआ पहली गेंद हल्के हाथों से खेल दिया नीरव मेहता सिंगल के साथ, खुद का और टीम का खाता खोलते हुए टीम चकाचक दो मुकाबले जीत के सेमीफाइनल के अंदर जगह बनाई है। एक रन के साथ खाता खुलता हुआ टीम का। जमीन के सहारे खेल दिया इस बार, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से गैप को ढूंढ निकाला है और सिंगल को डबल में तब्दील करने के साथ साथ टीम का स्कोर 3 रन बन चुका है। पहले ओवर का खेल जारी है। फील्डिंग की सजावट की अगर बात करें यहां पर शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट स्क्वेयर लेग और शॉर्ट मिड विकेट धीमी गति से डाली गई गेंदबाजी, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, अच्छी फील्डिंग प्लेसमेंट। पहली गेंद से सिंगल, दूसरी गेंद से 2 रन, तीसरी गेंद से 1 रन के साथ टीम का स्कोर 4 रन। पहले ओवर का खेल इंतजार है दर्शकों को और मेहमानों को, अंतिम फाइनल मुकाबले में किस तरह से इन दोनों टीमों में से एक टीम फाइनल में पहुंचेगी। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश है, चूके पूरी तरह से शरीर पे जाकर टकराई गेंद। पहले ओवर का खेल 4 रन बने हैं, 4 गेंदें अब तक हुई है जिसमें 2 सिंगल और 1 डबल शामिल है। 30 गज दायरे के बाहर डीप लॉन्ग ऑफ और डीप लॉन्ग ऑन। इस बार सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, स्ट्रेट में खेला है और गेंद सीमा रेखा के बाहर, दूसरी इनिंग का पहला चौका। नीरव मेहता के बल्ले से निकलने वाला खूबसूरत चौका। कुल मिलाकर टीम का स्कोर 8 रन। पहले ओवर का खेल अभी भी जारी है। ओहो, गजब की गेंदबाजी है, चौकाया था बल्लेबाज को लेकिन एंड वक्त पे पड़ने के बाद हल्का सा बाहर निकलती हुई गेंद, अंपायर का वाइट का इशारा। अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 9 रन। जमीन के सहारे खेल दिया इस बार, अंतिम गेंद पे सिंगल लेने के साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम चकाचक का स्कोर 10 बिना कोई नुकसान के। एक ओवर 10 रन बिना कोई नुकसान के। आर्यन
सोमानी गेंदबाजी के लिए आज बैटिंग में अपना खाता नहीं खोले थे, बिना खाता खोले वो बैक टू पवेलियन गए थे। गेंदबाजी में क्या अपना रोल निभाते हैं वो देखने की आवश्यकता। फील्डिंग प्लेसमेंट में सेम फील्डिंग के साथ बॉलिंग अटैकिंग के लिए लाए हैं। अच्छी गेंद थी, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया। डीप मिड विकेट का फील्डर जब तक गेंद को आके गैदर करता, सिंगल के साथ टीम का स्कोर 11 रन। शुरुआत में टेनिस क्रिकेट की अगर बात करें, कुछ ओवरे नई गेंद के साथ जब गेंदबाजी होती मुश्किल रहता है। उठा दिया इस बार सीधे बल्ले से, टाइमिंग बहुत ही बेहतर, वन बाउंस चौका। खूबसूरत शॉट सिलेक्शन, बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला गया है। चौके के साथ टीम का स्कोर 15 रन जा पहुंचा है। दूसरे ओवर का खेल, उठाया फुल टॉस गेंद और करक शॉट, सिक्सर। भैया तू डिजाइन कर यो बीट चले या तोड़ी, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन, यानी कि दिलीप भाई और नितिन भाई के खाते में से 50 रुपये। अच्छी बल्लेबाजी, सूझबूझ के साथ दोनों बल्लेबाज, एक तरफ बड़ा शॉट लगता है, दूसरी छोर बदल लेते हैं, दूसरी तरफ बड़ा शॉट लगता है, फिर छोर बदल लेते हैं। यहां बॉलर के लिए मुश्किल, 22 रन बने हैं। अच्छी गेंद थी, इस बार कट किया है, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, तब तक सिंगल चुराने के साथ साथ टीम का स्कोर 23 रन। बिना कोई नुकसान के अच्छी साझेदारी, दूसरे ओवर का खेल अभी भी जारी है। कदमों का इस्तेमाल, फुल टॉस बनाया गेंद को, लेकिन फील्डिंग प्लेसमेंट बहुत ही बेहतर। दो ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन बिना कोई नुकसान के। पहले ओवर से 10, दूसरे ओवर से 14 रन बटोरे, और गेंदबाजी में अब निशित को सौंपी जा रही है गेंद। हालांकि लगातार दो दिनों से टीमें खेल रही है, थोड़े से खिलाड़ियों को थोड़ी सी थकान भी है, उसके बावजूद भी जिस तरह से टूर्नामेंट में आगे बढ़ रहे हैं वो काबिले तारीफ है। इसके बाद अंतिम फाइनल मुकाबला, निशित अपने स्पेल का पहला, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेके आए, दो ओवरों में 24 रन बने हैं। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल बटोरने की कोशिश। दोनों ही बल्लेबाज ने पारी को संभाल के रखा है, 25 रन बन चुके हैं। जानबूझकर फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, स्टंप के ऊपर से गेंद जाती है विकेट कीपर के पास, स्कोर वहीं पे रुका हुआ 25 रन। पहले ओवर से 10 रन, दूसरे ओवर से 14 रन बटोरे, तीसरे ओवर से अब तक देखिए तो ज्यादा रन आए नहीं है। वो कहां गेंदबाजी की है, बहुत दूर गेंदबाजी कर बैठे हैं, और अंपायर का नो बॉल का इशारा, और फ्री हिट, नो बॉल के अंदर फ्री हिट देखना है, उसका क्या फायदा उठाते हैं। नीरव मेहता, धीमी गति से डाली गई गेंदबाजी, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में धकेला है। अच्छी फील्डिंग होनी चाहिए थी, लेकिन यहां गलती कर बैठे, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
इसी चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन बिना कोई नुकसान के। निश्चित अपने स्पेल के पहले ओवर में थोड़े से महंगे साबित होते हुए जानबूझकर फाइन लेग में देखा कि कोई फील्डर मौजूद नहीं है, उसका फायदा उठाते हुए ताकत कम लगाई और टाइमिंग बहुत ही बढ़िया। तो यहां नीरव मेहता के बल्ले से बैक टू बैक दूसरा चौका। कुल मिला के टीम का स्कोर जहां पहुंचा 34 विदाउट लॉस। और इसीलिए कहते हैं कि बड़े मुकाबले के खिलाड़ी बड़े मुकाबले में खेलते हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में बिना खाता खोले वो बैक टू पवेलियन चले गए थे, लेकिन उनकी टीम जिस तरह से वो कमबैक की थी उस मैच के अंदर, वैसे तो एक दो विकेटें उनकी जल्दी गिरने की वजह से बहुत ज्यादा दबाव था। कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार गैप में धकेला, एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग का नजारा। तीसरे ओवर का खेल अभी भी जारी, 35 35 रन तीसरे ओवर की अंतिम गेंद। करंट रन रेट ठीक चल रहा है और रिक्वायर्ड रन रेट भी ठीक है, बराबरी में दोनों टीम अब तक 50-50% ये मुकाबले के अंदर। फाइनल में पहुंचने के दोनों टीम के चांसेस है। उठा दिया इस बार, हवा में गेंद है और एफर्ट 100 में से 100 जिस कैच के लिए एफर्ट, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आर्यन द्वारा बहुत ही बढ़िया कैच, वहां पर हाफ चांस था उसको फूल बनाया। जानते हैं बड़ा मुकाबला है, इस मुकाबले के अंदर साझेदारी को तोड़ना कितना जरूरी है। फिलहाल अंतिम गेंद से विकेट 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी के लिए टीम के ऑलराउंडर मोंटी अपने स्पेल का पहला, टीम की ओर से 4th ओवर। कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार खेल दिया शॉट को एक्स्ट्रा कवर का फील्डर जब तक डीप पॉइंट पे आके गेंद को गैदर करता। सनी के साथ 1 रन बटोरने के साथ साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। 4th ओवर का खेल प्रगति पे, पहले 3 ओवर में जहां 35 रन बना लिए थे पहली गेंद से सिंगल के साथ, थोड़ी सी बातचीत करते हुए वहां पर कुल मिला के 88 रन का टारगेट, 87 बने थे पहले इनिंग में। स्विंग प्राप्त करते हुए अच्छी गेंदबाजी का नजारा, सटीक लाइन पे गेंदबाजी करने की कोशिश, विकेट टू विकेट स्कोर रुका हुआ 36। 4th ओवर का खेल, इस ओवर के बाद छोड़ बदला जाएगा। जानबूझकर खेला गया ये फाइन लेग के क्षेत्र में, शॉर्ट फील्डर वहां पर जब तक आके गेंद को खेदर करते, केवल 1 रन अब तक देखे तो 3 गेंदों में केवल 2 रन बटोरे हैं। टीम का स्कोर 37। अंदरूनी किनारा, भाग्यशाली बल्लेबाज रहे, बल्ले पे लग के गेंद स्टंप के करीब से निकल के फाइन लेग के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। नीरव मेहता भाग्यशाली रहे, वहां पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
टीम का स्कोर जा पहुंचा 41 रन 41। चौथे ओवर का खेल जारी है। अच्छी गेंद थी इस बार, डिफेंसिव स्टॉप खेलने की कोशिश। चौथे ओवर की अंतिम गेंद 41 रन, रन रेट बिल्कुल सही चलता हुआ, लेकिन शॉट कड़क है इस बार, बाजू एक होली है, लेकिन फील्डर भी उससे भी बेहतरीन फील्डिंग। अंतिम गेंद पर केवल सिंगल और स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। चार ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। चार ओवर की समाप्ति 42 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। ले चलते आपको म्यूजिक डायरेक्टर के पास। जी हाँ, जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट किया जाए। पहले चार ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। चौबीस गेंदों के अंदर 46 रन 24 बॉल्स एंड 46 रन। रिक्वायर्ड रन रेट 11.5। गेंदबाजी की जिम्मेदारी कप्तान किसे सौंपते हैं? अभी गेंदबाजी के लिए अपने स्पेल का पहला टीम की ओर से पांचवा ओवर लेके आए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अंपायर का वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 43-43 रन। रिवर्स शिप शॉट खेला है इस बार और टाइमिंग बेहतर। नीरव मेहता के बल्ले से निकलने वाला इस बीच खूबसूरत छक्का। इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, क्या स्कोर है 49। और दिलीप भाई और नितिन भाई की तरफ से भी ₹50 का इनाम। और इसी बीच टीम का अर्धशतक पूरा होता हुआ कुल मिला के 53। नीरव मेहता बहुत ही बढ़िया पारी खेलते हुए सूझबूझ के साथ अपनी टीम को आगे ले जा रहे हैं। 53 रन बन चुके हैं टीम के। पांचवें ओवर का खेल, पिछली गेंद पर छक्का, इस बार चौका। पिछली गेंद पर रिवर्स स्वीप खेला था, इस बार स्क्वायर लेग में गेंद को भेजा है। नीरव मेहता अपने निजी स्कोर 33 रनों के ऊपर 33 रनों की पारी। कदमों का इस्तेमाल किया था इस बार, चहल कदमी करने की कोशिश। सिंगल के साथ टीम का स्कोर 54
पांचवें ओवर का खेल प्रगति के ऊपर 88 रन का लक्ष्य है। अभी भी मैच को जीतने के लिए 34 रनों की दरकार। उठाया इस बार सिर्फ टाइमिंग, बेहतरीन एफर्ट, रोकने में कामयाब, एक रन से नहीं रोक पाएंगे, चौका रोका है। इस बार खेल दिया है कैप में, किए ना एक रन जरूर मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ अब तक 56। पांचवें ओवर का खेल अभी भी जारी है। धीमी गति से गेंदबाजी, एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए टीम का स्कोर जा पहुंचा 57। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। 57 लॉस ऑफ वन विकेट्स, 18 रनों में मैच को जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत। दोनों टीम की जानकारी के लिए फिर से बता दूं, 18 गेंदों में 31 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए। अठारह गेंदें, 31 रनों की आवश्यकता, 57 रन बन चुके हैं पांच ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच आर्यन आए हैं गेंदबाजी के लिए, जानबूझकर शॉट थर्ड मैन के स्थान के ऊपर जानबूझकर खेला शॉट। इसी सिंगल के साथ टीम का स्कोर 58, 58 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। 17 गेंदें और मैच को जीतने के लिए 30 रनों की दरकार। दोनों ही टीम के पास 50-50% मुकाबला है। इस बार जमीन के सहारे खेल दिया है, अच्छी फील्डिंग का नजारा। सोलह गेंदों में 29 रनों की जरूरत, उल्टी गिनती अब गिननी पड़ेगी। और ये देखिए, ये चतुर है बड़ा शॉट, इस मैच का सबसे शातिर दिमाग वाला शॉट है। यहां पर गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया और गेंद को भेजा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जानते हैं थर्ड मैन का फील्डर 30 गज दायरे के अंदर है और गली का फील्डर थोड़ा सा फाइन है, तो दोनों के बीच में से गैप निकाला। 15 गेंद, 25 रनों की दरकार। और यहां पर मैच में ट्विस्ट और टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये रनआउट इस मुकाबले में। दोनों ही सेट बल्लेबाज थे, जरूरत नहीं थी सिंगल की, नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने मना किया था कि सिंगल की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन गलतियां जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखा दी है। लेकिन तारीफ करनी होगी विकेट कीपर की, काबिले तारीफ विकेट कीपिंग वहां पर, अच्छी पारी खेल के जाते हुए शाबाशी उनको देते हुए अपने टीम के खिलाड़ी। 63 पे टीम को लगने वाला दूसरा झटका। चौदह गेंदों के अंदर 25 रनों की दरकार।
विरल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। चौथे नंबर के स्थान के ऊपर मिडिल ऑर्डर में पारी को संभालने के लिए जाने जाते हैं। कड़क शॉट है इस बार, लेकिन गैप ढूंढने में असफल रहे। शॉट में वो ताकत थी, लेकिन गैप के चलते केवल एक ही रन वहां पर, और मैच को जीतने के लिए 24 रन 13 गेंदों के अंदर। इस टूर्नामेंट का अंतिम लीग मुकाबला जैसा हुआ था वैसा ही सेमीफाइनल। हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल चुराया, सिंगल के साथ स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। मैच को जीतने के लिए 12 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता, मैच को जीतने के लिए 12 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता, मैच को जीतने के लिए 12 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता। ले चलते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के पास। साथी में बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, 12 गेंदें 23 रनों की जरूरत। दोनों टीम के सपोर्टर चाहते हैं कि वो फाइनल में उनकी टीम पहुंचे, लेकिन दो में से एक टीम पहुंचेगी फाइनल के अंदर। फील्डिंग प्लेसमेंट में थोड़ी सी बदलाव क्योंकि बैटिंग पावर प्ले जारी है। 12 गेंदें 23 रनों की जरूरत, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। आर्यन पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे। उठाकर खेलने की कोशिश, पैरों पे जाके गेंद टकराती हुई। 11 गेंदों के अंदर 23 रनों की जरूरत। सेमीफाइनल का यह मुकाबला, दर्शकों से पूरा स्टेडियम भरा हुआ, और जानते हैं कितना बड़ा मुकाबला है फील्डिंग प्लेसमेंट में। कदमों का इस्तेमाल, कवर के ऊपर से कोई मौका हाफ फील्डर के पास नहीं, गेंद जाती हुई सीमारेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ नीरव 41 पर खेल रहे हैं नाबाद। बहुत ही बढ़िया बारी यहां पर नीरव द्वारा। कदमों का इस्तेमाल, बल्ले से आवाज खूबसूरत आई है, लेकिन यहां की फील्डिंग प्लेसमेंट उससे भी बेहतर, केवल एक रन लेने का मौका। नौ गेंदें 18 रनों की जरूरत। और यहां पर क्लीन बोल्ड कर दिया है, विकेट गिरती हुई, फिर से एक बार मैच में ट्विस्ट आता हुआ। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का नजारा यहां पर, जरूरत थी जहां पर 9 गेंदों में 18 रनों की विकेट गिरने की वजह से 8 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। करो या मरो का मुकाबला, एक कदम दूर दोनों टीम फाइनल में प्रवेश करने के लिए। जीतने वाली टीम 2023 की फाइनल मुकाबला खेलती हुई नजर आएगी, और दोनों में से जो भी टीम हारेगी वो बाउंड्री लाइन के बाहर अपनी अपनी चेयर लगा के आराम के साथ फाइनल मुकाबला देखेगी।
आठ गेंदें हैं, 18 रनों की जरूरत। कप्तान अब अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बल्लेबाजी के लिए आठ गेंद 18 रन, बैटिंग पावर प्ले। उठाना चाहते हैं और यहां बॉलिंग थ्रू में मौका था यहां पर रन आउट करने का, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे मैच को जीतने के लिए। सात गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। आखिरी गेंद बहुत कुछ दरोबदार रहेगा। हर सवार हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश, बल्ले से केवल एक रन, यानी मैच को जीतने के लिए अंतिम छह गेंदों के अंदर 16 रनों की आवश्यकता। मैच को जीतने के लिए अंतिम छह गेंदों के अंदर 16 रनों की आवश्यकता। आखिरी ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी किसे देते हैं वो देखने की आवश्यकता। फिर से एक बार बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को, छह गेंदों में 16 रन। और ले चलते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के पास। मोंटी के हाथ में सौंपी एक गेंद, अंतिम 18 रन, 6 गेंद। जहां पर पिछले मुकाबले में अंतिम 6 गेंदों में 18 चाहिए थे, यहां 16 चाहिए। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, वाइट का इशारा अंपायर का, साथ ही में उठाया इस बार करेक्ट शॉट और सीधा रसोड़ा विभाग में गेंद 6 रनों के लिए। रास्ता दिखाया मेहमानों का कि जल्द से जल्द वहां पर यह मैच पूरी करके तुरंत ही वहां पर डिनर के लिए पहुंचे। रसोड़े का रास्ता दिखाया है, करेक्ट शॉट। नीरव मेहता 49 रनों की पारी, गजब का ये सूरत का लोकल बॉयस। और इस बार ऑफ फील्डिंग प्लेसमेंट, मना किया सिंगल के लिए, तारीफ करनी होगी फील्डर की। निश्चित तौर से 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए, गजब की फील्डिंग। निकुल, निकुल बहुत बढ़िया, निकुल मेहता ने 4 रन बचाए टीम के लिए। इस बार गैप में गेंद, इस बार नहीं रोक पाएंगे, इस बार रोक नहीं पाएंगे। और किसी के साथ नीरव मेहता का यहां पर अर्धशतकीय पारी, जोरदार तालियां हो जाए, सम्मानजनक पारी, गजब का ये है। फाइनल मुकाबले के अंदर वो पारी खेलते हुए और पूरी मैदान को चौंकाया, क्योंकि नीरव मेहता को 500 रुपया ताराबेन रसिकलाल मेहता, चैताली बेन राजेश भाई एवं सुरेखा बेन दिलीप भाई मेहता की तरफ से भी इनाम मिलेगा उनको। चैताली बेन बोल दिया तीन 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 गेंद में 5 रन की जरूरत।
उठाया इस बार, टाइमिंग इतनी सही हुई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सिंगल चुराया है और गलती कर बैठे यहां पर रन आउट के तौर पर विकेट। मुकाबले में और एक ट्विस्ट आता हुआ, तीन गेंदों में 5 रनों की जरूरत थी, सिंगल आसानी से चुरा चुके थे, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे। दिलों की धड़कनों को तेज करने वाला मुकाबला, 2 गेंदों में 4 रन की जरूरत है। क्या फिर से एक बार आर्यन, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग मिड विकेट के स्थान के ऊपर, 2 गेंदों में 4 रन, एक कदम दूर, दोनों ही टीम फाइनल में पहुंचने के लिए तैयार है। दोनों टीम के सपोर्टर अपने अपने लैंग्वेज में, अपने अपनी भाषा में दुआएं और प्रार्थना करते हुए अपनी टीम को फाइनल में ले जाने के लिए। दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ मुकाबला जब आप खेलते हैं और किसी भी जगह पे आप एक कदम जिंदगी में खुशियों की ओर बढ़ाते हैं तो ऊपर वाला आपका साथ देता है। यहां जरूरत है 2 गेंदों में 4 रनों की। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, केयूर आते हुए बल्लेबाजी के लिए, 2 गेंद 1 चौका। दूसरी तरफ गेंदबाज के पास 2 डॉट गेंदबाज करवा के अपनी टीम को फाइनल में ले जाने का मौका है, लेकिन सभी दर्शकों को मैं कहूंगा बाउंड्री लाइन से थोड़े से दूर हो जाएं, क्योंकि फील्डर बॉल रोकने की कोशिश में आपसे टकरा भी सकता है, आपको भी चोट लग सकती है और फील्डर को भी चोट लग सकती है। और बिल्कुल सामने खेला और यहां पर 1 रन और मैच को जीतने के लिए 1 गेंद में 3 रन, गजब का यह मुकाबला। टीम पल्स बना जिस तरह से सोचा था, क्या मैच टाई की ओर जाएगा, क्या फिर से एक बार मैच टाई होगा, वो देखने की आवश्यकता। दर्शक पूरी इंडिया में से मुकाबला देखने आए हैं। उठा दिया कवर के ऊपर से और यहां पर 4 रनों के लिए और नीरव मेहता सेमीफाइनल के हीरो बने और सम्मानजनक पारी और अपने अर्धशतकीय पारी खेल के अपनी टीम को जिता गए, ये साबित कर दिया कि ये सूरत के हीरो है और इस शानदार जीत के बेहतरीन हीरो रहे। पिछले मुकाबले में बिना खाता खोले हुए बैक टू पवेलियन गए थे, लेकिन इस मुकाबले में अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने के लिए पूरी क्षमता और काबिलियत दिखाते हुए बिल्कुल इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा की तरह पारी खेलते हुए नजर आए। और फिलहाल ले चलते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के पास।